नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों की लाइफलाइन अगर कोई है तो वो है मेट्रो, जिसने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की जिंदगी हर लिहाज से आसान बना दी है। दूर दूर तक का सफर भी मेट्रो से काफी सरल हो जाता है, साथ ही समय भी कम लगता है। अब दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन को और एक्सटेंड किया जा रहा है। द्वारका वैशाली ब्लू लाइन का विस्तार होने जा रहा है, जिसके बाद इस लाइन को द्वारका मोहनगर ब्लू लाइन के नाम से जाना जाएगा। डीएमआरसी ने 5 किलोमीटर लंबे वैशाली मोहनगर कॉरिडोर की डिटेल रिपोर्ट गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दी है। डीपीआर के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 तक इस कॉरिडोर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे होगा ये कि मोहनगर पर मेट्रो की ब्लू लाइन और रेड लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और नोएडा से दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत आएगी 1,808 करोड़ रुपए, जिसका 74% यूपी सरकार देगी और 18% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। इस नए कॉरिडोर में वैशाली के बाद प्रहलाद गढ़ी, सेक्टर 14 वसुंधरा, साहिबाबाद और मोहनगर स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर पर 3 जगहों पर पार्किंग की जरूरत बताई गई है। फिर साहिबाबाद के पास 31,463 वर्ग मीटर जमीन खाली है। मोहनगर बस अड्डे के पास 5,526 वर्ग मीटर जमीन है, जो कि प्रदेश सरकार की है। इस जमीन को पार्किंग के लिए उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। अब आपको इस रूट से जुड़ी डीपीआर की कुछ विशेष बातें बता देते हैं। वैशाली मोहनगर कॉरिडोर की दूरी 5.04 किलोमीटर है। कॉरिडोर की संभावित लागत 1,808 करोड़ 22 लाख रुपए है। कॉरिडोर के लिए 8,86,557 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत है। अप्रैल 2020 से कॉरिडोर पर शुरू हो सकता है काम। 31 मार्च 2024 है कॉरिडोर के संभावित डेडलाइन। आपको बता दें कि वैशाली और नोएडा मेट्रो अब सीधे मोहनगर से जुड़ेगी और इसमें खास ये होगा कि साहिबाबाद में इंटरचेंज नहीं बनेगा, यानी कि एक मेट्रो से उतरकर दूसरी में बैठना नहीं होगा, बल्कि भविष्य में दोनों रूटों पर मेट्रो ट्रैक तैयार होने के बाद एक वैशाली और नोएडा से मेट्रो की मोहनगर तक आवाजाही होगी। डीएमआरसी ने संशोधित डीपीआर में इसके अलाइनमेंट में परिवर्तन किया है। इस मार्ग पर साहिबाबाद में रैपिड और मेट्रो के यात्री एक साथ मिल सकेंगे। साहिबाबाद पर रोड के एक तरफ मेट्रो और दूसरी तरफ रैपिड रेल का स्टेशन बनेगा। इन दोनों स्टेशनों को फुटओवर ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा, जो कि 150 मीटर लंबा होगा। इससे फायदा ये होगा कि रैपिड और मेट्रो के यात्री आसानी से अपनी ट्रेन को बदल सकेंगे।